यदि आपने मार्केट में लास्ट 3 दिन में हुई रैली को मिस कर दिया है, तो अभी आपको कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे पुट बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पे कॉल बाइंग करनी चाहिए, इस वीडियो में हम इसी चीज पर बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों को ही कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी निफ्टी की। निफ्टी में क्योंकि सबसे ज्यादा मोमेंटम हमें देखने को मिला है, निफ्टी का जो लास्ट 3 दिन में मोमेंटम हुआ है वो 20,780 से मार्केट 21,500 के लेवल तक आ चुका है। अभी हम यदि हम निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम देखें, तो वीकली टाइम फ्रेम की यदि हम बात करेंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि निफ्टी ने लास्ट जो 6 कैंडल बनाई हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो निफ्टी ने 7 कैंडल्स बनाई हुई है वो ग्रीन कैंडल बनाई हुई है। और बैक टू बैक मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मार्केट में बैक टू बैक 6-7 ग्रीन कैंडल्स नहीं बनती है, मार्केट को एक रेड कैंडल चाहिए होती है। ये तो मार्केट न्यूज बेसिस पे ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, लेकिन ये मार्केट वीकली टाइम फ्रेम की यदि हम बात करें, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट मेरे को बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। मेरे को साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या तो वीकली टाइम फ्रेम पे या थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद, या तो यहाँ पे हमें एक करेक्शन दिखाई देगी, या फिर हमें यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन दिखाई देगा, जैसे ये कंसोलिडेशन हुआ था ना, ऐसा ही कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन प्लस फॉल। इसे आप फॉल को भी नहीं पकड़ पाओगे और इस कंसोलिडेशन में आप फंस भी जाओगे, ऐसा काइंड ऑफ सिचुएशन हमें निफ्टी में बनते हुए दिखाई दे सकती है यदि हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम पर, कि हमारा डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बोल रहा है। सबसे पहले इनको हटा देते हैं। ठीक है, अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। डेली टाइम फ्रेम पे यदि हम देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में हमें चार्ट इतना गंदा नहीं नजर आएगा जितना वीकली टाइम फ्रेम पे हमें नजर आ रहा था, कि मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन था, वहां से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में एक रैली हुई, रैली के बाद मार्केट ने 6 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, और कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे 2 दिन की हमें रैली दिखाई हुई है। यहाँ वीकली टाइम फ्रेम तो हमें बहुत गंदा नजर में आ रहा था, मार्केट ने 7 वीकली कैंडल्स को बैक टू बैक ग्रीन बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट थोड़ा सा शांत दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई मार्केट में रैली तो हुई है, लेकिन इतनी भी शार्प नहीं दिख रही है वीकली टाइम फ्रेम की तरह। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज तो हम बोल ही सकते हैं कि मार्केट में ये जो रैली हो रही है वो हमारी हो रही है 19,800 से, तो मार्केट में रैली अभी स्ट्रेच हो चुकी है। पॉइंट वाइज की यदि हम बात करेंगे, तो उस पॉइंट वाइज से हमारी रैली स्ट्रेच हो चुकी है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम बोल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे हमारी रैली ठीक है, चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे ये रैली बहुत ही गलत नजर में आ रही है। इसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को ऐसा कुछ, सॉरी आवर्ली टाइम फ्रेम पे मेरे को ऐसा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम सीधे बात कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स की, कि आपको अब कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, ये हमारे लेवल्स हैं। देखो जो हमारा बाइंग साइड का लेवल रहेगा, यदि आपको बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, यदि मार्केट हमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देगा, तो हमें कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। तो हमारा जो बाइंग साइड का ट्रेड रहेगा वो बनेगा हमारा 21,505। यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन किन कंडीशंस में ब्रेक करेगा यहाँ पे वो वाली बात भी आती है। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सोमवार के दिन, या फिर मार्केट फ्लैट ओपन हो, इन दो कंडीशंस में यदि मार्केट 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट का कंसोलिडेशन चाहिए हमें, यदि मार्केट 30 मिनट का कंसोलिडेशन करने के बाद 21,505 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपको अपना एसएल बहुत सोच समझ के लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एसएल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे एक दो बार जितने भी बायर्स हैं उनका एसएल हंटिंग हो जाए। ठीक है, ये हमारा बाइंग साइड का ट्रेड। कॉल बाइंग यदि आपको करनी है, तो आपको 21,505 के लेवल के ब्रेकआउट पर यहाँ पे कॉल बाइंग करनी है 30 मिनट कंसोलिडेशन के बाद। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट लेवल आएगा डाउन साइड के लिए, डाउन साइड में यदि आपको कोई ट्रेड लेना है, तो डाउन साइड में आप कोई भी ट्रेड लोगे 21,300 के लेवल के ब्रेकडाउन के बाद। यदि मार्केट 21,300 के लेवल को ब्रेक करेगा, उसके बाद ही हम अब पुट बाइंग के लिए सोचने वाले हैं, वरना हम पुट बाइंग नहीं करेंगे यदि मार्केट ने 21,300 के लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो यदि मार्केट इस लेवल में आता है, इस जोन के अंदर आता है, ये कौन सा जोन हमारा 21,300 से 21,360 370 का जोन है, इस जोन में हम एक
भी सिंगल ट्रेड नहीं लेंगे। ये जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है, इस 21,505 के ऊपर हम कॉल बाइंग कर सकते हैं और 21,300 के लेवल के नीचे हम यहाँ पे पुट बाइंग कर सकते हैं, जिसका हमारा पहला सपोर्ट बनेगा 21,210, सेकंड सपोर्ट हमारा बनेगा 21,140 का। और अपसाइड में तो जैसे मार्केट 21,505 के लेवल को ब्रेक करेगा, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट बुक करके चल सकते हो, क्योंकि मार्केट के पास अपर साइड में एक खुला आसमान है और मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज भी है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। पहला कॉल बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 21,505। दूसरा हमारा जोन है जिसमें हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, वो है 21,300 से 21,360, इस जोन में हमें ना ही कॉल बैंक करनी है ना ही पुट बैंक करनी है। उसके बाद हमारे जो पुट बैंक का जोन क्रिएट होगा, जहां पे हमें पुट बैंक का ट्रेड लेना है, वो लेना है 21,300 के ब्रेकडाउन के बाद। इसके बाद हम चलते हैं हमारी फिन निफ्टी कि हम फिन निफ्टी में सोमवार के दिन क्या ट्रेड ले सकते हैं। देखो वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम फिन निफ्टी का ऐसा कुछ समझने का नहीं है, निफ्टी का ही समझने का था तो मैंने आपको निफ्टी का समझा दिया। यहाँ पे हम सीधे ही लेवल्स की बात करते हैं। देखो यदि फिन निफ्टी सोमवार के दिन 21,575 के लेवल को ब्रेक करती है, 21,575 के लेवल को ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। कॉल बैंक का हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चाहिए। यदि मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ पे 101% एक कॉल बैंक का ट्रेड लूंगा, ठीक है। ये कंसोलिडेशन मेरे को 45 मिनट का मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा, या फिर इससे ज्यादा का मिल जाएगा तो मेरे को बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और डाउनसाइड का यदि मेरे को ट्रेड लेना है, तो वो मेरे को ट्रेड लेना है 21,365। जैसे ही मार्केट, जैसे ही फिन निफ्टी 21,365 के लेवल को ब्रेक करेगी, तो मैं यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लूंगा, जिसका मेरा पहला टारगेट रहेगा 21,314, सेकेंड टारगेट रहेगा 21,250 और थर्ड टारगेट रहेगा 21,1185। तो थर्ड टारगेट तक तो मार्केट बिल्कुल भी नहीं आने वाला सोमवार के दिन, हम यहाँ पे सेकेंड टारगेट के लिए ट्राई कर सकते हैं, यदि मार्केट ने 21,365 के लेवल को ब्रेक किया तो। और देखो मैं यहाँ पे ना निफ्टी में एक कंडीशन आपको बताना भूल गया, यदि मार्केट सोमवार के दिन गैप अप ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या क्या, किस हिसाब से हम वहाँ ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले इनको हटा देते हैं। देखो यदि मार्केट ना सोमवार के दिन गैप अप ओपन हो जाता है, तो जैसे मार्केट ने लास्ट 2 दिन में किया है, वैसा ही मार्केट हमें सोमवार के दिन करता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने पूरे दिन कंसोलिडेशन किया, मार्केट ने हमें कोई भी ट्रेड नहीं दिया। मार्केट फिर से गैप अप ओपन हुआ, अगले दिन मार्केट ने फिर से एक लंबा चौड़ा कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देने के बाद हमें एक मोमेंटम दिखाई दिया। तो यदि मार्केट सोमवार के दिन भी गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, यदि मार्केट सोमवार के दिन गैप अप ओपन हो गया, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, मान लो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, तो मार्केट को हमें कंसोलिडेशन करने देना है। और उस कंसोलिडेशन का मार्केट जिस भी साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दिया, यदि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग करेंगे, और यदि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे पुट बाइंग करेंगे। और यहाँ आप यहाँ पे अपनी 80 से 90% क्वांटिटी भी यूज कर सकते हो गैप अप की कंडीशन में, ठीक है, आपको मार्केट एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। जैसे मार्केट ने यहाँ पे दिया ना 21,360 के लेवल को ब्रेक किया, और मार्केट 100+ पॉइंट का आपको प्रॉफिट देखेगा। इसके बाद हम फिन निफ्टी के लेवल्स की भी बात कर चुके हैं। यदि फिन निफ्टी ने 21,575 के लेवल को ब्रेक किया 30 से 45 मिनट की कंसोलिडेशन के बाद, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक की ट्रेड लेंगे, और यदि मार्केट ने 21,365 के लेवल को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे पुट बैंक की ट्रेड लेंगे। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी में मैं सोमवार के दिन ट्रेड नहीं लेने वाला, स्पेशली मैं तो नहीं लेने वाला। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक चैनल में है, और ये चैनल के टॉप पे, मतलब मार्केट में अपर साइड का, मेरे को बैंक निफ्टी में यदि बैंक निफ्टी जाएगा भी ना, तो बहुत स्लो मोमेंटम दिखाई देगा, और स्लो मोमेंटम में मेरे को भाई ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि मैं मोस्टली ना जो मेरी 90% क्वांटिटी होती है, मैं ऑप्शन बाइंग में ही उठाता हूँ। फ्यूचर बाइंग में तो मैं 5% और 10% की क्वांटिटी उठाता हूँ। तो भाई यदि मार्केट अप साइड में जाएगा, तो बैंक निफ्टी में, स्पेशली मैं बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं फिन निफ्टी और निफ्टी में तो ट्रेड ले लूंगा, लेकिन बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेने वाला। देखो मार्केट ने यहाँ पे ये चैनल क्रिएट की हुई है, मार्केट ने अपर साइड में बार बार रिजेक्शन लिया हुआ है, और डाउन साइड में मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया हुआ है, मार्केट इसी चैनल के अंदर मेरे को चलते हुए दिखाई दे रहा है। यदि मार्केट ने
इस चैनल का अपसाइड ब्रेकआउट दिया तो मैं बिल्कुल भी मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बैंक स्पेशली बैंक निफ्टी में। और यदि मार्केट डाउनसाइड में आता है तो डाउनसाइड के लिए हमारे जो लेवल्स रहेंगे, देखो मैं बैंक निफ्टी से तो बिल्कुल ही दूर रहने वाला हूँ 2 दिन, सोमवार और मंगलवार के दिन। लेकिन फिर भी यदि बैंक निफ्टी में किसी भी बंदे को ट्रेड लेना तो वो हमारा लेवल रहेगा 47,780। जैसे ही मार्केट 47,780 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम 47,650 के टारगेट के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे को सोमवार के दिन बैंक निफ्टी में। यही एक और एक मतलब इकलौती कंडीशन, जो इकलौता ट्रेड है वो यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके नीचे जैसे ही मार्केट 650 के नीचे आएगा वहां पे मार्केट में डबल सपोर्ट पड़ने वाला है। एक तो इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट पड़ने पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे एक जोन है हमारा, उसका भी मार्केट में एक सपोर्ट हमें दिखाई देगा। तो डबल सपोर्ट हमारे पास मार्केट में इस लेवल पे रहने वाले हैं। तो हमारा एक इकलौता ट्रेड जो है बैंक निफ्टी में, जो भी आप यदि लेना चाहो तो ये पुट बैंक का ही ट्रेड रहने वाला है। कॉल बैंक के लिए मैं बिल्कुल भी बैंक निफ्टी को नहीं देखने वाला हूँ। वो रहेगा हमारा 47,780 के लेवल के ब्रेकडाउन के बाद, जिसका हमारा टारगेट रहेगा 47,650 का। तो यही हमारे इंपॉर्टेंट लेवल थे। देखो देखो मेरी जो प्रेफरेंस रहेगी, मैं निफ्टी में तो सॉरी बैंक निफ्टी में तो मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेने वाला। जो मेरा ट्रेड रहेगा वो रहेगा निफ्टी या फिर निफ्टी में। और सबसे ज्यादा मेरी मेरे चांसेस है कि मैं सोमवार के दिन निफ्टी में ही ट्रेड लूंगा, फिर निफ्टी में भी ट्रेड नहीं लेने वाला। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही।